बंगाल था वो जगह जहां से इंडियन फुटबॉल का जर्नी शुरू हुआ और एक 9 साल का बच्चा जो इंडियंस को फुटबॉल खेलना सिखाया। टीम के नाम रखा गया था एक भिला के नाम पे जो कि था मोहन बागान भिला। इस मैच को देखने के लिए 80,000 से भी ज्यादा लोग आए थे। शुरू हुआ एशिया के सबसे पुराना राइवलरी जिसे कोलकाता डर्बी के नाम से भी जाना जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है शुभजीत एंड वेलकम टू फैक्टोस। हमारे देश में कॉलोनियल रूल के दौरान क्रिश्चियन मिशनरी और ब्रिटिशर्स के द्वारा फुटबॉल की शुरुआत हुआ। ब्रिटिश रेजिमेंट के सोल्जर अपने टाइम स्पेंड करने के लिए फुटबॉल खेलते थे और उस टाइम पे इंडिया में फुटबॉल के कोई अवेयरनेस नहीं था और इस सिचुएशन को चेंज किया एक 9 साल के बच्चे ने। अंग्रेजों के खेलने के तरीका गौर से देख के इस बच्चे ने फुटबॉल खेलना सीखा और कुछ ही सालों में इस गेम को बंगाल में पॉपुलर कर दिया। इस बच्चे का नाम था नगेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी। इन्हें फादर ऑफ इंडियन फुटबॉल कहा जाता है। छोटे उम्र से ही नगेंद्र प्रसाद को फुटबॉल में बहुत दिलचस्पी था। उनके पिता एक आर्मी ब्रिगेडियर थे तो छोटे नगेंद्र प्रसाद ब्रिटिश सोल्जरों की फुटबॉल गेम देख के फुटबॉल खेलने की तरीका सीख गए। बाद में 1877 में नागेंद्र प्रसाद उनके हेयर स्कूल के कुछ दोस्तों को फुटबॉल खेलना सिखाया और यहाँ से शुरू हुआ इंडियन फुटबॉल के जर्नी। सुन के हैरानी होता है, एक 9 साल के बच्चे के हाथ से इंडिया के फुटबॉल शुरू हुआ था। बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज के प्रोफेसर G.S. टैक ने नागेंद्र प्रसाद और उनके दोस्तों को फुटबॉल खेलते हुए देखा और उनकी फुटबॉल के प्रति जज्बा को देख के उन्होंने फुटबॉल के तरीका को और डिटेल्स में सिखाए। 1880 में नागेंद्र प्रसाद और उनके दोस्त नागेंद्र मल्लिक ने मिलके एक क्लब बनाया जिसका नाम था बॉयज क्लब और यही था पहला फुटबॉल संस्था जो कि इंडियन का द्वारा बनाया गया था। बाद में नागेंद्र प्रसाद और भी कई क्लब बनाए, उनमें से 1884 में वेलिंगटन क्लब और 1897 में शोभा बाजार क्लब सबसे पॉपुलर था। इंडिया का फर्स्ट कोच दुखीराम मजुमदार भी इस वेलिंगटन क्लब के ही मेंबर थे। उस टाइम पे शोभा बाजार क्लब इंडिया के टॉप क्लब में काउंट होता था क्योंकि ये पहला इंडियन क्लब था जो कि ब्रिटिश टीम इस सारे रेजिमेंट को 2-1 से हरा के 1892 में ट्रेडर्स कप जीता था और ये इंडियन फुटबॉल हिस्ट्री में सबसे पहला बड़ा अचीवमेंट था। इसी टाइम ड्यूरेशन में कोलकाता की कई कॉलेजों ने अपनी फुटबॉल टीम तैयार करना शुरू कर दिया था। इसमें से कई कॉलेज था जैसे प्रेसिडेंसी, शिवपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज एंड जेवियर्स कॉलेज। 1888 में सर हेनरी मॉर्टिमर डुरंट जो कि उस वक्त इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी थे, उन्होंने डुरंट कप शुरू किया। पहले ये कप सिर्फ आर्मी के लिए सीमित था, बाद में ऑल टीम के लिए ओपन किया गया। डुरंट कप दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट में से एक माना जाता है और एशिया का सबसे पुराना। और ठीक एक साल बाद 1889 में 15 अगस्त लेजेंडरी मोहन बागान स्पोर्टिंग क्लब का शुरुआत हुआ जो कि आज के पॉपुलर क्लब जैसे लिवरपूल और चेल्सी से भी पहले शुरू हुआ था। बंगाल के तीन परिवार सेन, पासु और मित्र मिलके बनाया था मोहन बागान क्लब जिसका प्रेसिडेंट बना भूपेंद्रनाथ बोस और सेक्रेटरी बना ज्योतिन्द्रनाथ बसु। और टीम के नाम रखा गया था एक भिला के नाम पे जो कि था मोहन बागान भिला, क्योंकि इसी भिला के सामने के ग्राउंड से शुरू हुआ था इस टीम का जर्नी। ये था इंडियन फुटबॉल सीरीज का फर्स्ट एपिसोड, बंगाल कंट्रीब्यूशन टू इंडियन फुटबॉल। वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर सब्सक्राइब कर देना और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।